कॉन्ट्रैक्टर या फिर जो ठेकेदार होता है, लेबर ठेकेदार, आइटम ठेकेदार, वो कैसे बने? उसके बनने के बाद तो फिर आपको बिना खर्चे के, मतलब बिना पैसे लगाए, आपको कैसे स्टार्ट करना है? तो कैसे आप उससे कमाई कर सकते हैं? मतलब आपके पास पैसा भी नहीं है और आपको ठेकेदार बनना है और आपको अर्निंग भी करनी है, तो वो कैसे करेंगे? तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो बना भी चुका हूँ इस बेस पर, कॉन्ट्रैक्टर के बेस पर, क्योंकि काफ़ी हो जाएगा कि जॉब है, जॉब में आपका जो एक्सपेंशन है वो कम हो जाएगा। बट लेकिन क्या होता है कि बिल्डिंग में होता है, कॉन्ट्रैक्टर में होता है, जो अर्निंग होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इसमें कॉन्ट्रैक्टर बेस पे आप काम कर सकते हो, प्लस आप लेबर को भी आप उसमें काम दे सकते हो, तो उससे आपको दोनों का ही फायदा होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर बनना कैसे है, तो उसके लिए भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद बिना पैसे लगाए हम कैसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले होता है आपका नॉलेज, तो क्वालिफिकेशन। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आपके जो साइट वर्क है आप संभाल सके। जैसे आपको ड्राफ्ट मैन है या सिविल इंजीनियर, IIIT ITI से है, या फिर आप डिप्लोमा होल्डर से, हम BTech है, तो जो भी आपकी जो पास कम से कम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10, 12, या फिर आपको BA, जितनी भी क्वालिफिकेशन है, तो इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि आप साइट वर्क संभाल सको, आपका एस्टीमेट संभाल सको, आपको जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकली साइट पर आ जाए, या फिर आप थ्योरेटिकली भी आप उसको सीख सकते हो, ठीक है। तो वो आपको मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। दूसरा है आपका नॉलेज। तो नॉलेज किस चीज़ में होना चाहिए? जिस चीज़ में आप काम करना चाहते हो। जैसे कि आपका जो बिल्डिंग वर्क में है तो बिल्डिंग वर्क में आपको नॉलेज होनी चाहिए, रोड वर्क है तो रोड में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, सीवर लाइन, पाइप लाइन, ड्रेनेज, उसमें नॉलेज है तो वही आप उसको काम कर सकते हो। नॉलेज नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किसी ऐसे इंजीनियर को रख सकते हो जो उसमें नॉलेज रख सकता है, उसके बाद वो आपका एस्टिमेट में भी हैंडल करेगा, प्लस आपका वो दाएं हाथ बन जाएगा, काम करेगा, तो उससे उसके बेस पे आप नया जो काम है वो आसानी से कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है साइट नॉलेज या एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो साइट नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, या फिर किसी ऐसे बंदे के साथ में आपको काम करके सीखना चाहिए, जाकि आपका रोड है, बिल्डिंग है, ड्रेनेज है, सिविल लाइन में अंदर बहुत काम आते हैं, ठीक है। रेलवे के अंदर भी होता है आपका, पाइपलाइन के अंदर होता है, एयरपोर्ट के अंदर काम होता है, रेलवे में होता है आपका, रोड है, बिल्डिंग कर सकते हैं, ड्रेनेज, सीवर लाइन, पाइपलाइन, तो काफ़ी जगह इसका काम होता है। तो जो भी आप काम करना चाहते हो उसमें नॉलेज होनी चाहिए। फिनिशिंग एंड स्ट्रक्चर में जब आपके बिल्डिंग वर्क में होता है, काफ़ी आइटम्स रेट में आ जाते हैं, आप उसमें आइटम रेट भी आप ले सकते हो, पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी आप ले सकते हो, कवर एरिया, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, आइटम रेट, आपका लमसम रेट, आपका आइटम रेट, तो काफ़ी उस इस बेस पे आप काम ले वहाँ पे ले सकते हो। जब काम ले लोगे उसके बाद आपका एस्टिमेट बनाना चाहिए, या फिर आपका प्रीलिमिनरी एस्टिमेट बनाना चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं है तो आप उसमें आप एक बिल्डर या फिर एक जो सुपरवाइज़र है, एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र या एक्सपीरियंस इंजीनियर वहाँ पे साइड पर हायर कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी आपको मिनिमम ये नॉलेज और नहीं होना चाहिए। फोर्थ इज़ बिल्डर। अगर आपको बिल्डर बनना है तो बिल्डर के कॉन्टैक्ट में आपको रहना चाहिए, ताकि आप उसके या फिर उसके रह उसके पास रहकर उसे जो जानकारी ले सकते हो, वहाँ पे ये मुझे ये काम स्टार्ट करना है तो आपने कैसे स्टार्ट किया, उसमें कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब हर तरह से साइट नॉलेज, प्लस आपका बात करने का तरीका, प्लस आपके जो ओनर है ओनर से कैसे मीटिंग करनी है, कैसे मीटिंग करने के बाद आपको डिटेल एस्टिमेट या प्रीलिम एस्टिमेट या फिर लॉस एंड प्रॉफिट, जो साइट वर्क होते हैं उसका लॉस प्रॉफिट आप उसको बता सकते हो, या फिर आप उसमें कैसे हायर कर सकते हो काम को, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्टर। तो बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। बिल्डर का काम काम होता है कि पूरी बिल्डिंग का बनाना, जैसे रोड है तो रोड का काम बनाना, और कॉन्ट्रैक्टर होता है कि जी पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेना, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग का या फिर कोई स्ट्रक्चर का कोई कॉन्ट्रैक्ट निकला हुआ है तो उसको पूरे कॉन्ट्रैक्ट को आपने लिया तो आप कॉन्ट्रैक्टर बन गए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट आपके अंडर में आ जाना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और बिल्डर और कॉन्ट्रैक्ट में बस थोड़ा ही कॉमन डिफरेंस रहता है। वहीं पर सब कॉन्ट्रैक्ट बात करें, सब कॉन्ट्रैक्टर क्या रहता है, जो कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर रहता है इसके अंडर में जो काम करता है वो सब कॉन्ट्रैक्टर। इसके बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में आप इसके अंडर में मेसन हो गया, ठीक है, मेसन सुपरवाइज़र, आपका इंजीनियर्स, तो ये आपके, और उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर, तो ये सब काम करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर के अंडर में। बिल्डर चाहे तो ये हायर भी कर सकता है, नहीं भी हायर करे तो जस्ट ओनली सुपरवाइज़र को स्किल सुपरवाइज़र को हायर कर लेता है, लेबर्स को जस्ट ओनली। और कॉन्ट्रैक्टर के पास सभी मशीनरी सब होना चाहिए, प्लस उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। बिल्डर के पास में जैसे अगर वो बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट काम कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर लाइसेंस चाहिए होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के पास पे भी।
ठीक है। और जैसे कि सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है, वो बिना लाइसेंस के काम कर सकता है आइटम रेट में एंड या फिर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के ऊपर। जैसे कि आपका क्वाड एरिया है 1000 स्क्वायर फीट का है, 1000 फीट का है, तो वो आपका काम कर सकता है। जैसे कि 150 रुपये पर स्क्वायर, मतलब आपका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वर्क एंड फिनिशिंग वर्क आपको काम कर सकता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर के अंदर इन दोनों का लाइसेंस की जरूरत भी पड़ती है, या कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस की जरूरत होती है, या फिर बिल्डर को है, बिल्डर को भी लाइसेंस की जरूरत होती है, या फिर बिना लाइसेंस की वो काम कर सकता है। थोड़ा और नोट्स के बारे में हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो जो स्किल्स हैं आपके, स्किल्स मतलब किस कार्य में, किस बारे में आपको काम आता है, क्या क्या आपको नॉलेज है, क्या क्या आप काम कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी प्रॉफिट क्या है, मतलब आपका लो, आपका ईगो आपका, ठीक है। तो क्या क्या आप साइड पे काम कर सकते हो, वो पर स्किल्स होने चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस आपका किस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, वही आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टू रन योर ओन कंस्ट्रक्शन कंपनी। अगर आपके पास स्किल्स हैं एंड एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी कंपनी खुद खड़ी कर सकते हो, कंपनी बना सकते हो, कंपनी को खुद खड़ी कर सकते हो वहाँ पे। उसके बाद एडवर्टाइज, या फिर जो आपके एडवर्टाइज क्या करना है आपको, वेरियस मीडिया आउटलेट्स दैट अपील टू योर कस्टमर्स, जो आपको काम आता है, मतलब जिस कंप जिस फील्ड में आपने काम स्टार्ट किया है, उसका आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। आस पास में आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो वहाँ पे जिसको जो ओनर को अपना काम घर बनवाना होगा, या किसी भी आपको ओनर को, या फिर कोई भी टेंडर निकलता है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, या आसपास में भी आपको नॉलेज हो जाए कि भाई हाँ ये बंदा काम करता है, तो आपसे डायरेक्ट वो कॉन्टेक्ट कर लेगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सोशल साइट पर भी आप वहाँ पर एडवर्टाइज कर सकते हो। उसके बाद आपका ऑफरिंग डिस्काउंट्स टू योर फर्स्ट फ्यू कस्टमर्स, नोटिफाई योर फ्रेंड्स एंड रिलेशंस। आप क्या कर सकते हो, जैसे भी आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है, जैसे कोई बिल्डिंग का बनाने का आपने काम स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे फर्स्ट जैसे आपने नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाँ आप उसको में डिस्काउंट कर देंगे, कुछ डिस्काउंट कर देंगे कि हाँ आप इतने का घर बन रहा है, जैसे कि आपका 1200 पर स्क्वायर फीट बन रहा है, तो वहाँ पर टोटल जो कॉस्ट बन रहा है, तो वहाँ पे से आप 50,000 या फिर 1 लाख वहाँ पे से डिस्काउंट कर देंगे, वहाँ पे से टोटल कॉस्ट में से। अगर आप बना रहे हैं 1200 स्क्वायर फीट, वहाँ पे आप 1100 कर देंगे, तो यहाँ पे ये काफ़ी एरिया में जाके बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो वहीं पे आप सिंपल बता देंगे कि 1200 पर स्क्वायर फीट लगेगा, आपका 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो वहाँ पे आपके 12 लाख हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 12 लाख के बाद आप इसमें से 1%, मतलब 1 लाख या 50,000 उसमें से आप इसमें डिस्काउंट कर सकते हैं, तो उसको ऑफर करेंगे, तो वो आप ज़्यादा जल्दी काम करवाने की आपसे ही बात करने की कोशिश करेगा। जैसे आपने देखा होगा जो प्रोडक्ट्स होते हैं दुकानों पे, शॉप पे आप प्रोडक्ट्स लेने जाएंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा 120 का 120 की जगह कट लिखा रहता है, वहाँ पे 120 100 या फिर 90 लिखा रहता है। जस्ट वही कस्टमर को बस किसी भी तरह से वही प्रोडक्ट को सेल करना है, तो वो सेल करने का वो ट्रिक है। तो वही कौन सी ट्रिक यूज करनी है, या तो उसमें आपको फ्री ऑफर कर देगा, या फिर आपको उसमें डिस्काउंट ऑफर कर देगा, या फिर उसमें जैसे कि परसेंटेज एक्स्ट्रा कर देगा। जैसे कि आपका 1000 मतलब 1 kg है, तो उसमें आपको 20% इंक्रीज़ कर देगा, तो मतलब वही रेट को उसी रेट में आपको, तो काफ़ी रेट, मतलब आपका अगर 50 रुपये की है, तो वहाँ पे उसको इंक्रीमेंट कर देगा 60 रुपया, तो वही 60 रुपये में आपको 20% एक्स्ट्रा कर देगा, या फिर आपको उसमें एक्स्ट्रा आइटम दे देगा। तो वही मतलब सेल करने के लिए काफ़ी ट्रिक्स होनी चाहिए, तो वही आपको अपनी जो फिल्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके अंदर एक ट्रिक रखने टेक्निकली होनी चाहिए, कि आप अपनी फिल्म को, अपने कॉन्टैक्ट बेस को कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे लेवल पे। तो उसके लिए आपको नॉलेज आनी अच्छी होनी चाहिए, जो भी आपने फर्स्ट वर्क किया है, तो उसमें प्रॉपरली से फिनिशिंग होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपरली फिनिशिंग रहेगी, अच्छा वर्क करके दिखाएंगे, ब्रिक वर्क अच्छा हो, स्टील कॉलम आपके एज पर ड्राइंग हो, एज पर स्ट्रक्चर सेफ स्ट्रक्चर के एज पर ड्राइंग हो, तो वहाँ पे जो भी आपने काम स्टार्ट किया है वो प्रॉपरली से सेफ बना के फिनिशिंग कर वर्क करके दे सकते हो। जब आप अच्छा फिनिशिंग करके देंगे, तो उसके जो नॉलेज में आ जाएंगे उसको भी, उसको काम को देखोगे आपके, तो वो ही आपसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगा, भाई उसने काम बहुत अच्छा किया था, तो मैं भी उसी से काम कराऊंगा, तो ये काफ़ी नॉलेज हो जाती है वहाँ पर। उसके बाद हमारा लीगल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप काम कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी वर्क डिपार्टमेंट में, कोई गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का, ईपीएफ डिपार्टमेंट, तो वो आपके होने चाहिए, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। उसके बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर, अगर आप, इसमें बताता हूँ लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, अगर काफ़ी जगह ये होता है कि अगर आपने कोई वर्क स्टार्ट किया, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो वहाँ पे आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे आपको जितने भी आपने काम लिया है उसको पूरे को रोक देगा,
ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी ये पावर होती है कि उसको पूरे काम को रोक सकती है, या फिर आपके जो चार्ज है आपके ऊपर केस भी लगा सकता है, ठीक है। तो उसमें केस से बचने के लिए आपको थोड़ा बचना चाहिए और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। ऐसी जो घर होते हैं, घर बने बनाए भी रुक जाते हैं, या फिर बनने से पहले रुक जाते हैं, फिर बनने के बाद भी तोड़ दिए जाते हैं। तो वहाँ पे ये रहता है कि जो अपने अप्रूवल है वो घर बनाने की अप्रूवल नहीं लिए, काफ़ी ये होता है कि नक्शा बन जाता है, वो अपने अप्रूवल नहीं लिए, अपने घर बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो वो फ्यूचर में प्रेजेंट के अंदर क्या होता है कि वो अथॉरिटी वो उसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो क्या होता है तो तोड़ दी जाती है अपने घर को भी, क्योंकि आपके पास कोई अप्रूवल नहीं है, तो वो उसके ऊपर पूरा पावर होती है कि आपको घर बने बनाए घर को तोड़ सकता है। तो इसलिए एक ईंट भी आपको घर बनाने में अगर रखना है तो आपको कम से कम उसका अप्रूवल होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर या फिर बिल्डर होते हैं उसके पास क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर होना चाहिए, जैसे कि नीड मशीनरी होती है, मशीनरी की ज़रूरत होती है वहाँ पे, सेटरिंग की, मशीन्स की, ट्रक्स की, अर्थ मूवर्स जो आपके जेसीबी होते हैं या फिर एक्सकावेटर होते हैं, तो वहाँ पे आपके होने चाहिए। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र, अगर आपके पास ज़्यादा काम होता है या फिर आप काम नहीं कर पाए, मतलब आपके पास काम होता है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र को हायर कर सकते हो। अच्छी लेबर होनी चाहिए, स्किल्स लेबर होने चाहिए वहाँ पे आपको ही होनी चाहिए, ताकि आप जो वर्क है अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप साइट पे भी विजिट करते रहें, वहाँ साइट पे विजिट करने के बाद मतलब इतना टाइम साइट पे नहीं दे पाएंगे, ताकि पूरा टाइम आपका साइट पे निकल जाएगा। आपके पास ओनर से भी मीटिंग करनी होती है, आपके गवर्नमेंट या फिर एम्प्लॉय से भी मीटिंग करनी होती है, सबसे मीटिंग आपको करना होता है, मेटीरियल एस्टिमेट आपको सब देखना होता है, तो वहाँ पर इतना काम आप नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए बेस पर आपको सुपरवाइजर रखना चाहिए, ताकि वो साइट वर्क है वो संभाल सके। नेटवर्क इन द स्टेंडरी एंड कंपनी वर्क, जो आपने नेटवर्क करना है, मतलब नेटवर्क का मतलब है आपको जो अपने कहीं पे भी आसपास में जानकारी बनानी चाहिए, अपना अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि आसपास बना के रखना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर में जो भी काम मिले आप वहाँ पे आपको ही मिले, ठीक है। तो इंडस्ट्री में कंपनी वर्क में बनाना चाहिए। उसके बाद आपका मेथड ऑफ एस्टिमेट, आप जो एस्टिमेट के जो एस्टिमेट बने कैसे बनेंगे, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बनेगा। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट को होता है जैसे आपका 1000 स्क्वायर फीट का है, तो वहाँ पर स्क्वायर फीट से आपको कॉस्ट कर दिया जाएगा, जैसे आपका प्लॉट एरिया है तो प्लॉट एरिया से, ठीक है, या फिर आपका इस तरह से आपको प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बना दिया जाएगा। उसके बाद आपका लम सम एस्टिमेट, जैसे कि आपका कोई 1000 स्क्वायर फीट का है, तो वहाँ पे पहले से एक आइडिया बना दे, मतलब पहले से ही आइडिया दे देगा इतना है, तो कम से कम आपके अंदाज़ा इतना रेट लग जाएगा। उसके बाद आपका रहा आइटम रेट, आइटम रेट क्या होता है कि आपका जैसे ब्रिक वर्क है, एस्कावेशन है, आपका प्लास्टर है, पेंट है, ठीक है, तो ये होता है आपका आइटम रेट। तो आइटम रेट में आपको काम भी वहाँ पे कर सकते हो, जैसे बाउंड्री वॉल है 1000 स्क्वायर फीट की, तो वहाँ पे आपका रनिंग फिट में भी ले सकते हो आप। उसके बाद आइटम रेट में हो सकते हैं, जैसे कि आपके स्क्वायर फीट ब्रिक मेजरिंग, फिर प्लास्टर आपका बहुत साइड प्लास्टर का हो जाएगा, ठीक है, कंक्रीट है, कॉलम है, स्टील है, तो वहाँ पे स्टील का है जो केजी में आ जाएगा, कंक्रीट है वो क्यूबिक फीट में आ जाएगी, तो आपका इस तरह से बाउंड्री वॉल में आपका एस्टिमेट बन जाएगा। तो बाउंड्री वॉल में आइटम रेट क्या हुआ आपका, कंक्रीट कंक्रीट क्यूबिक मीटर में, स्टील है स्टील आपका केजी के अंदर आ जाएगा, कॉलम और स्टील वो केजी के अंदर हो गया, ठीक है, वॉल्यूम केजी के अंदर हो गया। उसके बाद बचा क्या, प्लास्टर और ब्रिक वर्क आपको क्या करना है, प्लास्टर आपका स्क्वायर फीट में हो जाएगा, ब्रिक वर्क है वो भी स्क्वायर फीट में एंड क्यूब मीटर में हो जाती है, अगर 9 इंची है तो 9 इंची 4 इंची ऑलमोस्ट स्क्वायर फीट में ले लेते हैं, फुटिंग के अंदर है वो क्यूबिक फीट के अंदर आ जाएगी, ब्रिक मेजनरी एस्कावेशन है वो भी आपकी क्यूबिक फीट में आ जाएगी। तो इस तरह से आइटम रेट में आ जाते हैं, जैसे बिल्डिंग के अंदर है, बिल्डिंग अंदर क्या होता है आपका एक्सकावेशन होता है, ब्रिक वर्क होता है, आपका प्लास्टर होता है, पेंट होता है, स्टील होता है, तो वो इस तरह से आइटम रेट में आ जाते हैं। तो ये आप क्या होता है कि प्लिंथ लेवल, आप बिना पैसे के आप इसमें स्टार्ट करने के लिए, आप जैसे आपको काम कोई मिला इस तरह से, आप यहाँ पे आपको काम ढूंढना है, काम लेना है, काम लेने के बाद आपका प्लिंथ ए लेवल तक मतलब कुर्सी लेवल तक आप आते हैं, तो वहाँ पे उसका एस्टिमेट बना दिया जाता है, उसका आपको पेमेंट कर दी जाती है। प्लिंथ लेवल पे आने पे आपको मिनिमम आपको 20-30% आपको दे दिया जाता है, ठीक है, 20-30% आपको दे दिया जाता है, मिनिमम 20% दिया जाता है प्लिंथ लेवल कुर्सी लेवल पे। तो जो भी आपको परसेंट मिलता है वहाँ पे आपको जो अपने लेबर है आपका, लेबर्स के बाद आपकी हो जाती है मेटेरियल, तो लेबर और मेटेरियल का जो कॉस्ट होता है वो पेंडिंग में रहता है, तो वहाँ पे प्लिंथ लेवल तक कॉस्ट आने पे वहाँ पे उसको पेंडिंग करते रहते हैं, मतलब जो नेक्स्ट काम करते जाएंगे और पिछला जो काम है तो उसका पेमेंट आप वहाँ पे करते चले जाएंगे, इस तरह से दे दिया जाता है। तो इस तरह से आपको कोई भी वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।